हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 23 जनवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। देखिए, आप सभी जानते हो आज 23 जनवरी है तो पराक्रम दिवस है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है हम सभी के लिए, क्योंकि ये दिन क्या है, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो जन्म दिवस है, इसको इस रूप में हम मनाते हैं। देखो, जो सुभाष चंद्र बोस जी का आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते भी हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो आज के दिन पे डेफिनेटली हमें उनको याद करना चाहिए, जो उनकी इंपॉर्टेंस थी, किस तरह से उन्होंने एक अनपैरेलल, जिसको बोलते हैं ना, इतना कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट बट इवन अदरवाइज एज एन इंडियन सिटीजन भी हमारे लिए उनका कॉन्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन, छोटे से इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर मेंटर्स गाइडेड प्रीलिम टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी 2023। इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज के अंदर आपको टोटल 34 टेस्ट मिल जाएंगे, जो आपको प्रीलिम्स के अंदर काफी मदद करने वाले हैं। यहाँ पर सी सेट की डिफिकल्टी को देखते हुए भी टोटल 7 टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे रिगार्डिंग सी सेट। इसके अलावा बहुत सारे और फीचर्स हैं, मल्टीपल रिवीजन हो गया, 1.5 साल के करंट अफेयर्स हो गया, एंड मेंटरशिप सेशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप अपनी गलतियों को समझो, उनसे सीखो एंड उस हिसाब से वर्क कर पाओ। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम दोनों में अवेलेबल है, एज वेल एज हिंदी इंग्लिश में भी आपको ये मिल जाएगी। अगर आप इसके अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो dpp.onlyas.in पर जाके एनरोल कर सकते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो इन नंबर्स पर भी हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। पहला टॉपिक है हमारा CAQM। सर, ये क्या चीज है? दिस इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। देखो, दिल्ली और दिल्ली के जो आसपास का एरिया है, जिसको हम दिल्ली एनसीआर बोलते हैं ना, नेशनल कैपिटल रीजन, तो ये पर्टिकुलर एरिया काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ एयर क्वालिटी, ठीक है। दिवाली के टाइम पे आप सभी जानते हो, देखो हर साल ना नवंबर का तो हर साल डेफिनेटली होता ही होता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे एयर प्रदूषित हो जाती है। हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो शो करता है कि वहां कितने पॉल्यूटेंट्स हैं, कैसी हवा जो सांस लेने लायक है या नहीं है, ये सारी चीजें जो बताता है ना, तो वहां पर हमें रियलाइज होता है कि एयर क्वालिटी काफी यहाँ पे मेजर एक कंसर्न बन जाता है। अभी क्या न्यूज आई है, दैट इज कि जो इस पर्टिकुलर एनसीआर एरिया है, यहाँ पर एयर क्वालिटी काफी ज्यादा नीचे गिर गई है। अब देखो, इस पर्टिकुलर चीज को टैकल करने के लिए, एयर क्वालिटी को टैकल करने के लिए हमारी तरफ से एक कमीशन बनाया गया है। वो क्या है? CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। आप देखो, रियलाइज करो, जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन है ना, वो सिर्फ दिल्ली की वजह से नहीं है, वहां पर काफी सारे और भी, आप जानते हो एनसीआर के अंदर बहुत सारे और एरियाज भी आ जाते हैं आसपास के। तो हमने क्या किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बेसिकली जो एनसीआर के आसपास के जो स्टेट्स हो गया ना, तो आपस में किस तरह से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो। अगर सोचो कि एक स्टेट कुछ और पॉलिसी लेके चल रही है, दूसरी ये और, तीसरी और, चौथी और, तो कहीं ना कहीं हम शायद एयर क्वालिटी को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करना, उनको रिजॉल्व करना, ताकि दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज का जो एयर क्वालिटी है वो अच्छा रहे, उसके लिए हमने एक बॉडी बना रखी है, दैट इज CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। 2020 में क्या हुआ था, सरकार मतलब बेसिकली जो प्रेसिडेंट साहब है, उनके द्वारा एक ऑर्डिनेंस लेके आया गया था। बाद में हमने एक एक्ट पास किया, एक्ट क्या था, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज, जो एनसीआर का एरिया है और जिसके आसपास के एरियाज हैं, उसके लिए हमने एक एक्ट पास किया, एंड उस एक्ट के थ्रू एक बॉडी बन गई। कौन सी? स्टैट्यूटरी बॉडी, आप जानते हो ना, जो एक्ट के थ्रू बनती है। तो ये एक तरह की CAQM क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो क्या करेगी, दिल्ली एनसीआर के आसपास के एरियाज के अंदर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट करेगी। एक ना देखो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ना एक बॉडी अपॉइंट करी गई थी, उसका नाम क्या था, EPCA, एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। अब ये जो CAQM है ना, इसने इसको रिप्लेस कर दिया EPCA को। तो आज के टाइम पर कौन सी एग्जिस्टेंस में है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, दैट इज CAQM। अब इसको ना हमने बहुत सारी पावर्स दे दी हैं। क्यों? देखो, इंपॉर्टेंट चीज है, तो डेफिनेटली इसको पावर्स अच्छी खासी दे रखी हैं, और अगर कुछ इसके रिगार्डिंग कोई केस वगैरह भी होता है, तो सिर्फ और सिर्फ किसके पास पावर्स हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सिर्फ NGT के पास इसकी पावर्स हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि CAQM के अगर आप नोटिस करोगे, तो यहां पर आपको एक चेयरपर्सन देखने को मिल जाएंगे, जो कि सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी लेवल के होंगे। इनका जो टेन्योर होगा वो 3 साल का होगा, या फिर जब तक इनकी एज 70 ईयर्स नहीं हो जाती। अब यहां पर देखो, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हो गया, साथ ही साथ जो चारों स्टेट्स मैंने बात करी ना, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे पास ना एक सेंट्रल लेवल पे बॉडी है, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो इसके लोग भी यहाँ पे होंगे। बाकी देखो, इसरो मॉनिटरिंग वगैरह के लिए हो गया, या फिर और ओवरऑल रिसर्च वगैरह के लिए, तो इसरो का भी यहाँ पे पॉइंट रोल है। सिविल सोसाइटी के भी एक्सपर्ट्स हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी वगैरह की मदद लेने के लिए इसरो का काम आ जाता है। तो इस तरह से हमने अलग अलग जगह से एक्सपर्ट्स लिए हैं। एक जो बात करते हैं ना मल्टी स्टेक होल्डर, ठीक
ठीक है ना, अलग अलग हमने स्टेक होल्डर्स यहाँ पे लिए हैं ताकि इंश्योर किया जा पाए हम एयर क्वालिटी को अच्छे से मैनेज किया जा पाए। ठीक है, इसकी अलग अलग सब कमिटीज भी हैं, उतना वैसे हमें ध्यान में नहीं रखना कि एक मॉनिटरिंग के लिए है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक सेफ गार्डिंग एंड एनफोर्समेंट, क्योंकि ये अलग उसके ना नीचे वर्किंग के अंदर चले गए हैं, तो वर्किंग इनके थ्रू होती है। ठीक है, बाकी जैसा मैं आपको बता भी रहा था, इसकी ये बहुत ही पावरफुल बॉडी है, और अगर किसी और लॉ के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो यहां पर किसकी बात मानी जाएगी, CAQM की। ठीक है, काम क्या है, काम यही है कि मान लो देखो कोई इंडस्ट्री है जरूरत से ज्यादा पोल्यूशन कर रही है तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना, अगर हो सकता है किसी को इंस्पेक्शन करना हो, अगर कोई इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कर रही है तो उसको शटडाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि उसकी बात ना माने तो पानी की सप्लाई काट दी, बिजली की सप्लाई काट दी, ये सारी बातें। जो हम बात करते हैं ना स्टबल बर्निंग की, आप जानते हो कि जो पराली जलाने की बात करते हैं, तो चेक करना कि क्या स्टेट एक्शन ले रही है पराली जलाने को रोकने के लिए या नहीं ले रही। ठीक है, कोई कंप्लेंट करता है तो उसके लिए हम कैसे टैकल कर सकते हैं, क्या मेजर्स होने चाहिए, कैसे आपस में एक्शन को कोऑर्डिनेट करना है, ये सारे यहाँ पर काम एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के इन दिल्ली NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज में CAQM के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, UPSC 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि जब हम क्रॉप को बर्न करते हैं या बायोमास रेसिड्यू इनका रिगार्डिंग, तो यहाँ पर किस तरह की हमें चीजें हमें देखने को मिलती है जो एटमोसफेयर के अंदर रिलीज होती हैं। देखो जब चाहे आप बर्निंग ऑफ क्रॉप कह लो या बायोमास रेसिड्यू के रिगार्डिंग कह लो, तो इनसे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का हमें इमिशन देखने को मिलता है, अलग अलग तरह के आप जो एयर पॉल्यूटेंट्स की बात कर लो या फिर इवन जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की बात कर लो, पर्टिकुलेट मैटर 10 की बात कर लो, स्मोक वगैरह, ये सारे के सारे क्या है, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही मेजर हार्म कर सकते हैं। और इस वजह से होता क्या है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हैं, चाहे आप सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर लीजिए, ठीक है, चाहे आप मीथेन की बात कर लीजिए, ओजोन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये इसके अलावा भी इवन ना जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया या इवन कई बार ब्लैक कार्बन हो गया, तो इस तरह की सारी गैसेस निकलने की एक पॉसिबिलिटी रहती है, तो यहां पर भी ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो यहां पर आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा ब्रॉड बेस पे सोचना होता है कि हाँ कौन सी पॉसिबिलिटी थी, तो डेफिनेटली इससे ये सारे निकल जाते हैं, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एंड 4। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ऑप्स अलर्ट। अब ध्यान देने वाली बात देख ये है कि देखो रिपब्लिक डे है, ठीक है, 3 दिनों बाद 26 जनवरी को रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल, अब यहां पर ना हमेशा जब इस तरह के दिन होते हैं, चाहे 15 अगस्त की बात कर लीजिए, 26 जनवरी, तो जो बाहर के लोग होते हैं स्पेशली, मैं बाहर के लोग जो नेगेटिव सेंस में, जैसे मान लो टेररिस्ट हो गया, ठीक है ना, या फिर इस तरह की कुछ प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं कि यार नहीं इस पर्टिकुलर डे को यहाँ पे तबाही मचाएंगे, ठीक है, इनके इस तरह से प्लान्स होते हैं। तो हमारी जो पुलिस फोर्सेस होती हैं या फिर जो हमारी आर्मी होती है, ये किसी इस तरह से जो भी हमारे मिलिट्री के अंदर होते हैं, उनका थोड़ा चुकन्ना ज्यादा होना बन जाता है। वैसे तो देखो हमारी सारी फोर्सेस बहुत चुकन्नी है, पर इस टाइम पर थोड़ी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हम देखते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो ना, तो आपने देखा होगा कि दिल्ली मेट्रो के में भी ना आजकल चेकिंग वगैरह, पुलिसिंग वगैरह काफी ज्यादा हमने बढ़ा दिया सिक्योरिटी वगैरह। उसी तरह से जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उन्होंने क्या किया है, रिपब्लिक डे के अंतर्गत क्या कर दिया है, एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है, दैट इज ऑप्स अलर्ट। कहां पर स्टार्ट हुआ है, देखो जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पर, यहाँ पर हम अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा रहे हैं काफी ज्यादा, चाहे आप देख ले गुजरात का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट हो गया, राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हो गया, ताकि ये जो हमारा पर्टिकुलर जो इतना इंपॉर्टेंट डे है, हमारा गणतंत्र दिवस जो है, वहां पर अच्छे से कोई विफलता ना आ पाए, कोई हो ऐसा ना हो, कोई एंटी नेशनल एलिमेंट यहाँ पर कुछ गलत करने की कोशिश करे, उसको रोकने के लिए हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, दैट इज ऑप्स अलर्ट। ठीक है, ये कब तक चलेगा, ये चलेगा सर 28 जनवरी तक, जब तक मतलब यू नो ये जो आप जानते हो, ठीक है, मैंने आपको पहले भी सर क्रीक एरिया एक दिन मैप के अंदर दिखाया था, रन ऑफ कच्छ वाला एरिया भी दिखाया था, तो ये सारे एरियाज में यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, ये प्रोग्राम BSF के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ऑप्स अलर्ट को रन किया जा रहा है। ठीक है, एक तरह की एक्सरसाइज है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज प्रधानमंत्री नेशनल अवार्ड फॉर चिल्ड्रन। अब देखो जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है, वो प्राइम मिनिस्टर नेशनल अवार्ड फॉर चिल्ड्रन देंगे, समझने की कोशिश करना। देखो एक तो हमारे जैसे ना ये बच्चे हैं, ठीक है, एक तो इन सभी बच्चों ने क्या किया हो, मान लो कुछ बहुत अच्छा अचीव किया हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस कीजिए इन्होंने कुछ इनोवेटिव चीज करी हो, ठीक है, या फिर साइंस के अंदर कुछ बहुत अच्छा योगदान हो, आर्ट एंड कल्चर के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी हो, तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, उनको एक तरह से या तो अवार्ड दिया जाता है, या फिर इसके साथ ही साथ कोई मान लो पर्सन है, मान लो ये 40 साल का पर्सन है, इसने इन बच्चों के लिए अच्छा काम किया हो, ठीक है ना, तो दो चीजें हो गया, एक तो हो गया जो 18 साल से कम वाले बच्चे हैं, इन्होंने कुछ इनोवेटिव चीज, कुछ बहुत अच्छी चीज करी हो, या फिर दूसरा हो सकता है जो 18 साल से बड़ा है, बेसिकली जो नॉर्मल पर्सन है, उसने इन बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, इन बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, इनकी वेलफेयर के लिए कुछ अच्छा काम किया हो। ये दो कैटेगरीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल अवार्ड फॉर चिल्ड्रन के लिए।
ठीक है। अब देखो होता क्या है ना, दरअसल मैं आपको थोड़ा अगर लेकर चलूं यहाँ पे, तो 26 ठीक है, 26 जनवरी की जब हम बात कर रहे हैं ठीक है, रिपब्लिक डे की, उससे जो पिछला हफ्ता होता है जो अभी चल भी रहा है, तो यहाँ पर ये अवार्ड्स को अनाउंस किए जाते हैं ठीक है। ये एक सिविलियन ऑनर है ठीक है, जो किसी को भी मिल सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने अच्छा काम किया हो ठीक है। ये बहुत सारी कैटेगरीज आप यहाँ पे देख सकते हो, सोशल सर्विस हो गया ठीक है, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ब्रेवरी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये सारी बातें। पहले होता क्या था, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपको देखने को मिलेगा बाल शक्ति पुरस्कार। ये क्या है, जो मैंने बताया था ना, 18 साल से कम वाले बच्चे हैं ठीक है, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया हो आर्ट एंड कल्चर के अंदर, सोशल सर्विस, ये अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, तो इनको मिलेगा। दूसरा क्या है, बाल कल्याण पुरस्कार, ये उनको मिलेगा जिन्होंने बच्चों के लिए अच्छा काम किया है ठीक है। अब हुआ क्या था, पहले ये दो नाम चलते थे ठीक है ना, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बाल कल्याण पुरस्कार था, इसको स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, और बाल शक्ति के पुरस्कार ये एनजीओ थी एक तरह की, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। बाद में क्या हुआ, इनको रीनेम करके एक ही नाम दे दिया गया, और वो नाम क्या था, प्राइम मिनिस्टर्स राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ठीक है। अब इसको मिनिस्टर कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसा मैं आपको बता भी रहा था 26 जनवरी के जो पिछला वाला वीक होता है जो अब चल रहा है, उसके द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको कॉन्फर किया जाता है। कौन सिलेक्ट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ठीक है। उनके साथ कुछ और डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जो, और साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी यहाँ पर हो सकते हैं ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वीक है ये रिपब्लिक डे के साथ ही लिंक है। अब देखो ये चिल्ड्रन के लिए था, उसी तरह से ना हमारे जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीजें करी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 2015 क्वेश्चन देखिए, यहाँ यूपीएससी ने क्या पूछा कि जो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल है वो हमने क्यों बनाया है, क्या उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं किसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। द आंसर इज, ये शेड्यूल ट्राइब के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये पर्टिकुलर शेड्यूल्स बनाए हैं। मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो देखो जो फिफ्थ शेड्यूल की जब हम बात करते हैं ना, तो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर जो आपके शेड्यूल्ड एरियाज आ गए, या फिर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो किसी भी स्टेट में रिसाइड करती हैं एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन चारों को छोड़ के बाकी जो भी स्टेट्स हैं वहां पर शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के रिगार्डिंग काम कौन देखता है, फिफ्थ शेड्यूल। और इन चारों स्टेट्स के रिगार्डिंग आप जानते हो, ये चारों स्टेट्स आ जाती है हमारे सिक्स शेड्यूल के अंदर। तो कहने का पॉइंट क्या हुआ, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल किससे डील करता है, ताकि हम जो अपने शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। राइट, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज साइक्लोन वन। अब ये क्या है, देखो इंडिया और इजिप्ट इनका एक ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है साइक्लोन वन, जो स्टार्ट हुई है राजस्थान के अंदर ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बन जाती है, रीजन बीइंग कि देखो कि एक तरह की पहली एक्सरसाइज है जहां पर क्या हो रहा है, इन दोनों नेशंस की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं ठीक है। इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस, इजिप्शियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस, इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब इससे होगा क्या, इससे यही होगा कि हमारे आपस में जो डिफेंस कॉपरेशन है वो और ज्यादा मजबूत होती रहेगी ठीक है ना। और देखो वो भी कहां पर आए, बताए ना अभी जैसलमेर के अंदर, राजस्थान के अंदर ये चीज हो रही है, तो डेजर्ट ट्रेन के अंदर ये चीज को कर रहे हैं ठीक है ना। साथ साथ काउंटर टेररिज्म हो गया, रेड्स हो गया, स्पेशल ऑपरेशन, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस हम डिस्कशन करेंगे, तो डिफेंस कॉपरेशन काफी ज्यादा इंक्रीज होती रहेगी ठीक है ना। बाकी साथ में कल्चर हो गया, आर्मीज का जो इथोल हो गया वो भी डेफिनेटली एक्सचेंज होंगे। अब देखो इंडिया और इजिप्ट के ना इस बार यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि फिर से देखो रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के लिए हमने कौन चीफ गेस्ट को इन्वाइट किया है, वो है इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अली सीसी ठीक है। ये पहले इजिप्शियन प्रेसिडेंट हैं जो कि रिपब्लिक डे पर हमारे चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं ठीक है। मिडिल ईस्ट से ये पांचवे लीडर हैं। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे ना, हम अगर थोड़ा हिस्ट्री बुक्स में जाएं तो आप नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में जानते होंगे ठीक है। हमारे जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा नॉन अलाइंड मूवमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए। पर इनके साथ ही साथ कुछ और भी लीडर्स थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनमें एक कौन थे, उनमें एक इजिप्ट के लीडर भी थे। तो इस तरह से आप नोटिस कर रहे हो कि इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन काफी पुराने रहे हैं, और इजिप्शियन प्रेसिडेंट का इंडिया के रिपब्लिक डे पे एज अ चीफ गेस्ट आना प्लस इस तरह की एक्सरसाइज होना कहीं ना कहीं दिखाता है कि इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन काफी अच्छे हैं, एंड एक पोटेंशियल क्वेश्चन भी बन जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के अंदर भी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। अभी ये जो पर्टिकुलर समिट था ये अभी रिसेंटली आप यहाँ पे देख भी सकते हो, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं ठीक है उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। यहां पर क्या हुआ, टोटल 125 जो देश थे उन्होंने एक तरह की डिजिटल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेशन किया, ताकि जो अलग अलग हमारे मुद्दे हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल, कल्चरल, टेक्निकल इश्यूज, इन सभी के ऊपर ये 125 देश थोड़ा कोलैबोरेट कर पाए। देखो अगर मैं आपको ना थोड़ा ये आप शायद आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये ग्लोबल साउथ का मीनिंग क्या है। देखो ध्यान देने वाली बात समझना, जो ग्लोबल साउथ है ना दरअसल में एक इकोनॉमिक टर्म है, अक्सर हमें लगता है कि ज्योग्राफिकल टर्म है ठीक है, कुछ हद तक कह सकते हैं, बट ज्यादातर ये क्या है, इकोनॉमिक टर्म है। एक्चुअल में उन पर्टिकुलर कंट्रीज की हम बात करते हैं जिनमें आप बात कर लीजिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हम बात करते हैं ना,
वो कम हुआ है, ठीक है। तो ज्यादातर जो कंट्रीज जिनमें इकोनॉमिक और सोशल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थोड़ा कम हुआ है उनको हम ग्लोबल साउथ का पार्ट मान लेते हैं। थोड़ा ज्योग्राफी के साथ लिंक कर सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर, मतलब ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो थोड़ा सदर्न एरियाज में लाई करती हैं, तो इसलिए इनको उसके साथ रिलेट कर सकते हो। बट अदरवाइज अगर मैं सिंपली बात बात करूं तो दिस इज मोर ऑफ एन इकोनॉमिक टर्म, क्योंकि इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन कंट्रीज में कम हुआ है। अब यहां पर आप जानते हो जो हमारा जो G20 है, ठीक है, जिसमें हमें वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, वन वर्ल्ड वन फैमिली की बात कर रहे हैं, ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली की बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप नोटिस कीजिए कि हमारा फोकस एक ना वहां पर ये भी है कि हम ग्लोबल साउथ की वॉइस को आगे लेकर आए, ठीक है। तो यहां पर भी यही बात होगी, जो यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, उसकी बात करी गई कि हम, आप जानते हो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो G20 का एजेंडा इनके लिए कैसे हो सकता है, ग्लोबल साउथ की हम आवाज को कैसे लेकर आ सकते हैं, उनकी बात हो रही है। देखो G20 के अंदर आप जानते हो डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज है, वहां पर जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है वो तो नहीं है, पर इंडिया क्या चाहता है, इंडिया चाहता है कि G20 प्लेटफॉर्म को यूज करे ताकि जो लोग इसके मेंबर नहीं भी हैं, ठीक है ना, जैसे बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज इसके मेंबर नहीं है, तो उनके भी हम वॉइसेस को वहां पर लेकर आ पाए, उनके पर्सपेक्टिव और उनकी प्रायोरिटी को भी यहां पर जगह मिले, इसके लिए हमारे ये समिट था, ठीक है। तो साउथ साउथ कॉपरेशन आप नोटिस कर सकते हो। हेल्थ सेक्टर के अंदर भी हमने देखा है किस तरह से हम ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, आपस में कंट्रीज कैसे कोलैबोरेट कर सकती हैं, एजुकेशन के अंदर अपनी प्रैक्टिसेस को कैसे शेयर करना है, वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, जहां पर कुछ इंसान स्किल्स भी सीखे, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जा सकता है, एशिया सॉरी अफ्रीका के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है यहाँ पे, तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर में हमें यहाँ पे कोलैबोरेशन देखने को मिलता है। सिमिलरली फाइनेंस फील्ड के अंदर भी आप देख सकते हो कैसे कंट्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ वर्क कर सकती हैं, जैसे हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना करी ना, तो इसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे सीख सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो गया, या फिर इवन ग्रीन एनर्जी की तरफ हम कैसे मूव कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। यहाँ पे टोटल 5 इनिशिएटिव्स को देखा गया, ठीक है, एक हेल्थ के रिगार्डिंग था जैसे, ठीक है, आरोग्य मैत्री आप देख सकते हो, वेलनेस फ्रेंडशिप, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर हो गया, यंग डिप्लोमेट्स हो गया, एंड स्कॉलरशिप्स के रिगार्डिंग यहाँ पर कॉपरेशन, या फिर ये 5 इनिशिएटिव्स आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, ठीक है। मैं देखो बार बार रिइटरेट करता भी रहता हूँ, G20 एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, कहीं ना कहीं आपको इस बार साल के अंदर आपको क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो ये हो गए आज के टॉपिक्स, ये 5 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, जिनके नीचे मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे कौन से सही हैं कौन से गलत। लास्ट वीक जो मैंने बेसिकली आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, मैं उनका आपको आंसर बताता हूँ। महाबली फ्रॉग, क्या ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एंडेमिक है? नहीं सर, ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर एंडेमिक था ना, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। दूसरा, ये हक्कू पत्थर की बात करी थी मैंने, ठीक है, हक्कू पत्थर के बारे में, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तीसरा, चन्नपटना ट्वाइस, क्या आंध्र प्रदेश के साथ रिलेटेड थे? नहीं सर, ये फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये कहां से रिलेटेड थे? ये थे कर्नाटका के साथ संबंधित। चौथा स्टेटमेंट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट ऐसे ही है, बेस्ड इन पेरिस, एस्टेब्लिश्ड इन 1974। लास्ट है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, क्या ये मराठवाड़ा के लिए था, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर? नहीं सर, ये था बुंदेलखंड रीजन के रिगार्डिंग, ठीक है, हमने देखा भी था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग हमें यहाँ चीज देखने को मिली थी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है। तो ये हो गए पिछले वीक के क्वेश्चन, इन 5ों का क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे आप, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर जाकर भी आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो ये थी आज की डिस्कशन, आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।